जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप, क्या हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो जैसे कि आप सबको ही इंतजार रहता है कि इस हफ्ते में हमें कौन सा हिंदी कंटेंट देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको कल वाली वीडियो में बता ही चुका हूं। बाकी और कौन सा कंटेंट हिंदी में देखने के लिए अवेलेबल हुआ है, उसके बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई एक इमोशनल ड्रामा मूवी कनिगी को हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया था। लेकिन अगर आपको इस मूवी के बारे में नहीं पता चला और अभी तक आपने नहीं देखी है तो Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देख सकते हैं, जो काफी बढ़िया मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 की है, जिसमें हमें चार लड़कियों की कहानियां देखने को मिलती है और इंडियन सोसाइटी के डार्क ट्रूथ को दिखाया जाता है कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी हर औरत के ऊपर ही अत्याचार किया जाता है। तो क्या रहती है पूरी कहानी, वो अभी आप Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देख सकते हैं। इसके बाद अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है कलवा, जो एक नई हिंदी हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके पार्ट 2 को भी अभी रिलीज कर दिया गया है अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे, जो वैसे ज्यादा रिकमेंडेड तो नहीं है लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद VR OTT के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है क्लिक, जो एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसकी IMDb रेटिंग 6.9 की है और कहानी हमें क्राइम और मिस्ट्री के साथ थ्रिल भरे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ देखने को मिलती है। जिस सीरीज के अभी 2 सीजन VR OTT के प्लेटफॉर्म पे हिंदी ड्रामे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसके बाद साल 2017 में एक रशियन वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसका नाम है ट्रॉस्की, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 की है और अभी इस वेब सीरीज को इंडिया में अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी लियोन ट्रॉस्की नाम के एक बंदे की होने वाली है और उसी की जिंदगी की पूरी कहानी दिखाई जाने वाली है, जो अभी अतरंगी के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही इंडिया में जी कैफे की ओर से एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड, जिसके 5 सीजन अभी टीवी प्रीमियर होने के बाद Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए अवेलेबल है और अभी उसी सीरीज का स्पिन ऑफ वर्जन बेटर कॉल सॉल का भी सीजन 1 जी कैफे के टीवी चैनल पे हिंदी डब में टीवी प्रीमियर होना शुरू हो गया है, जिसकी IMDb रेटिंग 9.0 की है। तो ये एक टॉप की वेब सीरीज है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसे 1 अप्रैल से शुरू किया गया था और अभी इस सीरीज के सीजन 1 के 10 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जो इस सीरीज के सीजन 1 को कंप्लीट कर देते हैं और अभी इस सीरीज का सीजन 1 Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे 10 एपिसोड्स के साथ हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है। बाकी मंडे से लेके फ्राइडे तक इस वेब सीरीज का 1 एपिसोड हर रोज ही जी कैफे के टीवी चैनल पे हिंदी में स्ट्रीम होता रहेगा और टोटल इस वेब सीरीज के 63 एपिसोड्स होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कल के दिन की, जब Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई हिंदी बढ़िया मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है साइलेंस का पार्ट 2, जो मनोज बाजपेयी की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसका पार्ट 1 काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था और ये डायरेक्ट डिजिटल प्रीमियर होने वाली हिंदी मूवी है, जो अभी कल मींस के 16 अप्रैल से Zee5 के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद कल के दिन में ही हॉलीवुड की कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई मूवी ड्यून का पार्ट 2 भी हिंदी डब में वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होने जा रहा है, जो एक साइफाई एक्शन सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और अभी 16 अप्रैल से ही Amazon प्राइम एंड बुक माई शो स्ट्रीम पे हिंदी डब में स्ट्रीम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ओनली रेंटल बेसिस पे ही देखने को मिलेगी। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है जिंदाबाद यारियां, जो अभी हमें इसी हफ्ते में 18 अप्रैल मींस के इस थर्सडे से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जो वैसे ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके बाद इस साल की सबसे बड़ी एक्शन पैक्ड मूवी में से एक मंकी मैन को अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज किया गया है। हालांकि इस मूवी को इंडिया में भी रिलीज किया जाना था, लेकिन इंडिया में सेंसर बोर्ड की वजह से अभी तक ये मूवी इंडिया में थिएटर्स में देखने को नहीं मिल रही है, बट वर्ल्ड वाइड ये मूवी अप्रैल मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज कर दी गई है और इस मूवी को काफी अप्रिसिएशन भी मिल रहा है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.3 की है, जो एक R-rated मूवी भी है। और इस मूवी को लेके एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है कि ये मूवी हमें जल्दी ही OTT पे रिलीज होते हुए देखने वाली है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें नेक्स्ट वीक के बाद ही 23 अप्रैल से वीडियो ऑन डिमांड पे देखने को मिलने वाली है। हालांकि इंडिया में इसकी रिलीज अभी भी कंफर्म नहीं हुई है, बट इंटरनेशनली इसको 23 अप्रैल से वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया जाएगा, जो हमें Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। बाकी जब भी इसकी हिंदी कंफर्म होती है मैं आपको तभी टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद साउथ की ही एक और एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी रुद्रन मूवी का भी काफी इंडियन ऑडियंस वेट कर रही थी हिंदी डब में OTT रिलीज का, तो लीजिए अभी ये मूवी कंफर्म हो चुकी है, जो कुछ टाइम से डिले होती आ रही थी, जिसकी रिलीज डेट अभी नेक्स्ट वीक में 20 अप्रैल की रखी गई है, जब ये मूवी हमें कलर सिनेप्लेक्स के टीवी चैनल पे टीवी प्रीमियर होने के बाद जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी।
इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई पंजाबी हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है बूम एंड डर की, जो भी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी। और अभी ये मूवी हमें नेक्स्ट वीक में ही 20 अप्रैल से चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई ओटीटी पे आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज। बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज अनाउंस होती रहेंगी, तो ऐसी ही बढ़िया अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस फ्राइडे एंड सैटरडे को रिलीज होने वाले बाकी बढ़िया कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।